आने वाले उनको दर्शा देंगे, वो भी सीधी करेंगे। हजरात, एक बात आपसे गोशी गुजार कर, चाहे वो ग्रेजुएट तबका हो या हमारा दूसरा तबका हो, देखो हमारी हिस्ट्री, हमारी तारीख ये बताना पड़ेगा कि ख़त्म हो गई। क्या आप देख रहे हो किताबों में, किताबों में हिस्ट्री थी वो सब ख़त्म हो गई। तो क्या हमें ये भी मना कर दिया कि हम कोई किताब, कोई कापी लेकर के रोज़ आना, रोज़ नाम का लिखते हैं कि आज ये दिन ये वाक्य पेश आए? क्या हमें ये मालूम है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कितनी उम्र में मिली थी? नबूवत मिलने के बाद कितने दिन आप मक्का में रहे और कितने दिन आप मदीने में रहे? अच्छा एक बात बताओ, आप बड़े होशियार हो, बहुत अकलमंद हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर अपना घर, आप मक्का के रहने वाले थे ना, अपना घर छोड़ा, अपना खानदान छोड़ा, कितना बड़ा खानदान था कुरैश, हाशमी खानदान बहुत बड़ा खानदान था, सब कुछ छोड़ दिया, समझे? लेकिन दीन की खातिर अल्लाह का हुक्म था कि हिजरत फरमा दी, यानी मक्का छोड़ दिया और आप मदीने चले गए। वहाँ भी तो यहूदी थे, यहाँ मुशीद थे तो वो यहूदी, वो यहूदी थे। लेकिन हमने इस बात को कभी नहीं सोचा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ